थिंक जब पारस ने सडनली पैसे लिए तो मुझे ऐसा लगा कि यार वेट कर लेता, दे बोथ डिजर्व टू विन. सिद्धार्थ डेफिनेटली डिजर्व टू विन. बहुत बहुत स्वागत है दलजीत आपका. वेल, फिनाले कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? यार बहुत अच्छा रहा. एंड ऑनेस्टली जो मैंने सोचा था टॉप में रहेंगे वो ही रहे, और ऑलमोस्ट हम सब वहाँ पे बैठ के प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि क्या होगा. थोड़े बहुत शॉकर्स भी थे, लेकिन इट वॉज अ फैबुलस फिनाले. शॉकिंग क्या रहा? आई थिंक जब पारस ने सडनली पैसे लिए तो मुझे ऐसा लगा कि यार वेट कर लेता, ये आई वाज श्योर कि पारस जीतेगा नहीं, कुछ ही ऑल्सो न्यू आई थिंक. बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यू शुड हैव एटलीस्ट वेटेड, मे बी कुड हैव बीन इन द टॉप 2 और टॉप 3. बट इवेंचुअली जब कैलकुलेट किया तो वी सेड नहीं यार, द प्रॉब्ली ही वाज द स्मार्टेस्ट अमंगस्ट ऑल. सिद्धार्थ जीत गए, आसिम रन आउट कर गए. आप क्या कहना चाहोगे? सो जब टॉप 2 हमारे डिक्लेयर हुए आसिम और सिद्धार्थ, तो लिटरली वहाँ पे सब यही कह रहे थे कि दे बोथ डिजर्व टू विन. और ये मैं पूरे दिल से और ईमानदारी से बोलती हूँ, बिकॉज आसिम की जर्नी इतनी अमेजिंग रही थ्रू आउट, यू नो द वे ही इज ग्रोन, द वे ही हैज स्टूड अप फॉर एवरीथिंग, मतलब उसने अपनी प्रेजेंस हर एपिसोड में फील कराई. यू नो सिद्धार्थ वॉज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द डे वन, उसकी ग्रोथ नहीं थी बट उसने अपनी स्ट्रेंथ को कभी कम नहीं होने दिया, कभी किसी की डिस्करेजमेंट की वजह से या झगड़े की वजह से ऐसा कोई एपिसोड नहीं आया जहाँ पे वो कम दिखाई दिए हो. और आई थिंक मोर ऑर लेस ऐसा कोई एंगल नहीं था जो सिद्धार्थ के आसपास नहीं चल रहा, तो उसमें उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, चाहे वो प्यार का एंगल था, चाहे वो नफरत का एंगल था, चाहे वो दोस्ती का एंगल था, चाहे वो यू नो रश्मि के साथ हो, सना के साथ हो, आसिम के साथ हो, आरती के साथ हो, यू नेम इट, एंड ही हैड एन एंगल विद एवरीथिंग. और अगर आप देखें तो ये जो शो है वो कनेक्शंस के ऊपर बहुत स्ट्रेस किया जा रहा था, उस बेसिस पे मुझे लगता है कि सिद्धार्थ डेफिनेटली डिजर्व टू विन. एंड लिटरली इन द सेम सेंटेंस आई विल से, अगर आसिम जीतता तो ही वुड हैव बीन एज डिजर्विंग, क्योंकि उन दोनों का अलग अलग रीजंस थे बट दे बोथ डिजर्व टू विन. You looked fabulous. Thank you. The way you actually carried yourself, you know, it was very classy. So sweet. Thank you so much. I was honestly a little nervous because sab log wo you know mujhe jo reference aa rahe the, they were very typical gowns and all. I said nahi, I want to like wear like a cocktail dress which I'm comfortable in, this cotton type gown. But when I wore it, I got so many compliments and I'm so happy that I chose to wear that. ओके, उसके बिग बॉस के बाद देखो कुछ कोई यू नो पार्टी हुई, कुछ कहना चाहेंगे मिलने? हाँ बिल्कुल, पार्टी हुई, हमें सलमान सर के शहर में बुलाया गया, हम सब कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पे, और बहुत अच्छा टाइम सर ने अपना यू नो हमको सबको गाइड किया कि यू नो यू गाइस टेक वर्क, डोंट सिट एट होम. एंड बिग बॉस की इमीडिएटली बात स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्क, लाइक डोंट गो इन टू अ सबैटिकल और डोंट गो इन टू दिस होल जोन की कोई बात नहीं, आराम से लेंगे. सो ही वॉज गाइडिंग एवरीबॉडी लाइक बिकॉज ही इज बीन अ मेंटर टू ऑल ऑफ अस, यू नो. And I was very happy, so you know, so talk to me also. It was really nice. I had a fabulous time, and I think some Bigg Boss ke jitne bhi contestants, ex-contestants, pichle season ke mere friends rahe, they have all had this one day of memory in their life, and I'm very happy that I'm also lucky enough to add this in my life as well. All right. Thank you so much, Dil. Thank you.